यहाँ पे हमें दिया गया है कि रचना एक कलर टेलीविजन के लिए 5,665 रुपये पे करती है एंड सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे उस टीवी पर 10% का। तो हमें यहाँ पर उस टीवी का लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, उस टीवी के लिस्ट प्राइस को लेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, कि मान लीजिए उस टीवी का जो लिस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है। ठीक है, अभी जो ये लिस्ट प्राइस है ना, इस पर टैक्स लग रहा है कितने का, 10% का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या राइट कर लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा ये लिस्ट प्राइस एंड प्लस में इसका 10%। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 10%। वो किसके इक्वल होगा, जो इसने अमाउंट पे किया है उस टीवी को परचेज करने के लिए, वो कितना किया है, 5,665 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा 10x/100। इसका मुझे 10% फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 5,665। इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह बचेगा हमारे पास एक्स प्लस में एक्स अपॉन के 10, इट इज इक्वल टू 5,665। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 10, ये 10x एंड ये प्लस में x, इट इज इक्वल टू 5,665। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 11x/10, इट इज इक्वल टू 5,665। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में 10/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 11 5 जा 55 एंड यहाँ पे 11 1 जा 11 5 जा, तो ये हो गया 515 × 10, तो ये आ जाएगा 5,150। तो उस टीवी का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 5,150 रुपये है, जिस पर 10% का टैक्स देने के बाद उसने परचेज किया है 5,665 रुपये में।